सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। पलवल डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि उन्हें 30 जुलाई को सूचना मिली थी कि 14 जुलाई की रात को गांव जलहाका निवासी रिंकू उर्फ टिंकू की हत्या करने वाले तीन आरोपी पलवल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जो कहीं बाहर जाने के फिराक में हैं। सूचना मिलते ही हवलदार पलवल डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि उन्हें 30 जुलाई को सूचना मिली थी कि 14 जुलाई की रात को गांव जलहाका निवासी रिंकू उर्फ टिंकू की हत्या करने वाले तीन आरोपी पलवल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जो कहीं बाहर जाने के फिराक में हैं। सूचना मिलते ही हवलदार पलवल डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि उन्हें 30 जुलाई को सूचना मिली थी कि 14 जुलाई की रात को गांव जलहाका निवासी रिंकू उर्फ टिंकू की हत्या करने वाले तीन आरोपी पलवल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जो कहीं बाहर जाने के फिराक में हैं। सूचना मिलते ही हवलदार पलवल डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि उन्हें 30 जुलाई को सूचना मिली थी कि 14 जुलाई की रात को गांव जलहाका निवासी रिंकू उर्फ टिंकू की हत्या करने वाले तीन आरोपी पलवल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जो कहीं बाहर जाने के फिराक में हैं। सूचना मिलते ही हवलदार रविंद्र सिपाही सचिन व अन्य मुलाजिमों ने मौके पर दबिश दी और तीनों आरोपियों को काबू कर लिया, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम लोकेश योगेश निवासी गांव जलहाका व रमन निवासी गांव अमरपुर बताया। गहन पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि रिंकू उर्फ टिंकू ने लोकेश के परिवार के बारे में भद्दे शब्द कहे थे, जिसकी रंजिश रखते हुए उन्होंने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर रिंकू उर्फ टिंकू की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी, जिस संबंध में चांदहड़ थाना पुलिस ने मृतक के भाई जयप्रकाश की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था। आरोपियों से वारदात में प्रयोग लाठी डंडा व बाइक के बरामदगी के लिए उन्हें बुधवार को अदालत में पेश कर 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है और उनके फरार साथी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला ऐसा है, 14 जुलाई को सुबह रिंकू उर्फ टिंकू, जो जलहाका गांव का रहने वाला है, इसको चोटों से लगी हुई थी और इसको हॉस्पिटल पहुँचे थे, ब्रॉड डेड पहुँचा था। इसका रुका हमारी जो चौकी है अमरपुर, वहाँ पहुँचा था, तो अमरपुर चौकी इंचार्ज एएसआई वीरेंद्र सिंह वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, तो इनके भाई जयप्रकाश मिले थे, जिन्होंने एक रिटर्न में दरख्वास्त दी थी, उसमें आरोप लगाया था। अब योगेश और लोकेश जो जलहाका गांव के ही रहने वाले हैं, और एक लड़का रमन जो अमरपुर गांव का रहने वाला है, इन्होंने मेरे भाई को चोटें मारकर, और अन्य एक और लड़का है, चोटें मारकर यानी इसकी हत्या की है, और जिस पर अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें SC ST एक्ट का मामला दर्ज किया, जिसकी तफ्तीश मैंने स्वयं ने की थी, और कल शाम को बस स्टैंड पलवल से योगेश लोकेश और रमन, जो कहीं बाहर जाने की फिराक में थे, इनको राउंड अप किया और इनसे पूछताछ की। इन्होंने हत्या का जुर्म जो स्वीकार किया, रिंकू और टिंकू की हत्या की थी इन्होंने, आज इनको कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। अभी इनसे जो हत्या में प्रयुक्त लाठी डंडे और मोटरसाइकिल जो हत्या में प्रयोग की गई थी, उसको रिकवर किया जाएगा। सत्य खबर के लिए पलवल से मुकेश बघेल की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।